क्वेश्चन में ये कह रखा है कि 1 अप्रैल 2022 को मेरे पास मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस है बच्चे वो है हमारे पास 60,000 का, ठीक है। और उसके बाद बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है मेरे पास 36,000 का। फिर वो कहता है कि 1 अप्रैल 2022 को मैंने एक मशीनरी सोल्ड करी जो कि मैंने ली थी कब, 1 अप्रैल 2018 में 16,000 रुपए की ली थी और मैंने उसे 8,400 का क्या कर दिया बच्चे यहाँ पे सेल कर दिया। SLM मेथड है बच्चे आपका यहाँ पे 10% पर एनम, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना भाई, हमें मशीन का जो टाइम पीरियड दिया हुआ है कब करी दिया मैंने 2018 में, ठीक है। और जो आपको ये बैलेंस दिया हुआ है 1/4/2022 का दिया हुआ है, यानी 18 से लेके 22 तक जो भी डेप्रिसिएशन लगा होगा वो सारा का सारा कहाँ पे एड ऑन है आपका भाई। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्यों बनता है कि जो भी मैं मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाता हूँ वो सारा एक जगह पे इकट्ठा होता चला जाता है, वो कौन से अकाउंट में इकट्ठा होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। ऐसे ही मशीनरी 60,000 रुपए की बची हुई है, ठीक है। तो अब इस 36,000 में जो मशीन में बेच रहा हूँ ना ये वाला, इसका डेप्रिसिएशन भी क्या है बेटा, एक तरीके से इंक्लूड है, वो हमें सेपरेट करना पड़ेगा। उसका तरीका बताता हूँ अभी आपको। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, आपको 3 अकाउंट बनाने हैं तो हम पहले 3 अकाउंट का फॉर्मेट क्रिएट करते हैं यहाँ। इन क्वेश्चंस के अंदर ना सारा का सारा मेन रोल प्ले करेंगे आपके वर्किंग नोट। देखिए किस तरीके से ये अब आपके बन गए बच्चे यहाँ पे 3 अकाउंट्स, इनको नाम दे देते हैं हम पहले मशीनरी अकाउंट, सेकेंड वन इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और उसके बाद आ जाता है बेटा मशीनरी के बाद यहाँ पे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट ठीक है, फॉर्मेट सब में सेम चलेगा नीचे। अब बेटा क्वेश्चन की स्टार्टिंग देखिए किस तरीके से होगी, आपको सबसे पहला स्टेप करना है इसके अंदर कि जो बैलेंस गिवन है उसको ब्रॉड डाउन कर लो आप भाई। मशीनरी असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस कहाँ पे ब्रॉड डाउन होता है बेटा, डेबिट साइड में। तो 1 अप्रैल को 2 बैलेंस BD कितना बैलेंस है 60,000 रुपए, क्लियर है जी यहां तक। उसके बाद प्रोविजन का बैलेंस कितना दिया हुआ बेटा 1 अप्रैल को 36,000 रुपए। प्रोविजन के नेचर होता है बेटा लायबिलिटी, और लायबिलिटी का जो बैलेंस ब्रॉड डाउन किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, क्रेडिट साइड के अंदर। तो 2022 1 अप्रैल बाय बैलेंस BD कितना हो गया बच्चे यहाँ पे 36,000, कितना आ गया ये 36,000। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप समझो, यहाँ पे हमने बेची कब है वो मशीन, 1 अप्रैल 2022 ठीक है। अगर हम इसको बेचने की डेट देखें तो बेचने की डेट भी क्या दी हुई है बेटा आपको 1 अप्रैल 2022 ही दी हुई है, तो इसके अंदर हमें भी ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे बनाएंगे आप क्या बच्चे वर्किंग नोट, एक अप्रैल 2018 को मैंने क्या खरीदी थी, ये मशीन खरीदी थी, कितने की खरीदी थी बेटा 16,000 रुपए की, क्लियर। अब 1 अप्रैल 2018 को अगर आपने खरीदी होगी ये मशीन तो इस पे डेप्रिसिएशन कब लगाया होगा बेटा, 31 मार्च 2019 में 1600 रुपए का, क्योंकि 10% डेप्रिसिएशन था इसके ऊपर, 004, क्लियर।
अब अगला डेप्रिसिएशन कब लगा होगा इसके ऊपर? 31/3/2020, क्योंकि SLM मेथड है, तो फिर से कितना लगा होगा इस पे? 1600। ठीक है, उसके बाद अगला कब लगा होगा बेटा? 31/3/2021 के अंदर फिर से कितना लगा होगा? 1600 ही। 0021 और उससे अगला कब लगा होगा? 31/3/2022 कितना लगा होगा? 9600 की। अब कब रही होगी ये? 1 अप्रैल 2022 को। ये समझ आ गई कैलकुलेशन क्या है? दोबारा देख लो, 16000 की मशीन थी बेटा, 1 अप्रैल 2018 को खरीदी थी, तो 19 में डेप्रिसिएशन लगा होगा, 20 में डेप्रिसिएशन लगा होगा, 21 में डेप्रिसिएशन लगा होगा, 22 में डेप्रिसिएशन, तो 4 साल का आपका डेप्रिसिएशन लग गया। 4 साल का डेप्रिसिएशन लगने के बाद वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 9600। अब जो आपने डेप्रिसिएशन लगाया है, यानी कि 1600 ये वाला, फिर ये वाला 1600, ऐसे ही हर क्वेश्चन में करना है, और ये वाला 1600। कितना हो गया ये टोटल डेप्रिसिएशन? 6400। 4 साल में इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगा? लेकिन यहां पे आपको ये जो डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया हुआ है बेटा 1 अप्रैल 2022 को, कितना दिया हुआ है? 36000। यानी कि ये डेट देखो क्या है, 1 अप्रैल 2022, और ये भी कौन सी डेट है बच्चे आपकी? 1 अप्रैल 2022। यानी कि जितना भी डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपने ये वाला लगाया है, ये इसके अंदर ऑलरेडी क्या है बेटा? इंक्लूड है। ऑलरेडी क्या है इसके अंदर? वो सारा का सारा। अब हमें करना क्या होता है? मैंने स्टेप क्या बताया था कि जब भी हम मशीनरी को बेचते हैं तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में से कहां पे ट्रांसफर करते हैं बच्चे? उसे डिस्पोजल अकाउंट में। तो आप यहां पे 2022 के अंदर ही 1 अप्रैल को कहां पे जाएगी मशीन? बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितने की मशीन बेची है बेटा मैंने एक तरीके से? 16000 रुपए की। कितने की मशीन बेची है? 16000। अब यहां से जब ट्रांसफर करूंगा तो कहां पे जाएगी वो? डिस्पोजल अकाउंट में। 2022 1 अप्रैल टू कहां से आई है ये मशीनरी? मशीनरी अकाउंट से आई है। कितने की आई? 16000 रुपए की। ये स्टेप क्लियर हो गया? जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था सेम वही करा है कि जो मशीनरी बेची है उसे उठा के कहां पे शिफ्ट कर दो आप? डिस्पोजल अकाउंट में। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था कि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपने डेप्रिसिएशन इकट्ठा किया है, जो मशीन आप बेच रहे हो उसका डेप्रिसिएशन भी उठा के कहां पे ट्रांसफर करना होता है आपको? डिस्पोजल अकाउंट में। तो अगर मैं जो पार्ट बेच रहा हूं बेटा उस पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा है मेरा? 6400। तो आप यहां पे आएंगे 2022 1 अप्रैल 2 कहां पे जाएगा ये? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितना लगा बेटा टोटल? 6400 का। अब जब यहां पे आया है तो यहां पे किस साइड आएगा ये? 2022 1 अप्रैल कहां से आएगा डेप्रिसिएशन? यहां पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 60। अब 16000 में से 6400 का क्या लग गया? डेप्रिसिएशन। बेची कितने में बेटा मैंने ये मशीन? 8400 में। बची कितने की थी मेरे पास? 9600 की। तो 9600 की चीज को मैं कितने में बेच रहा हूं? 8400 में। तो 1200 रुपए का क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे? लॉस। क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे? ये कैसे शो करूंगा यहाँ पे? बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेच रहा हूं? 8400। बाय पीएनएल लॉस। कितने का लॉस हुआ? 16000। और यहां पे भी क्या हो गया? देखो डिस्पोजल अकाउंट में बैलेंस बचने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि अकाउंट ही किसके लिए बन रहा है? जिस मशीन को आप सोल्ड कर रहे हो। इसमें सिर्फ वो वर्किंग आती है जो पार्ट आपका बिकता है। तो ये खत्म हो गया। अब इसमें बेटा 36000 रुपए का डेप्रिसिएशन था, जिसमें से 6400 रुपए आपने ट्रांसफर कर दिए, तो जो बाकी का बचा हुआ है वो क्या बन जाएगा बेटा मेरा? एक तरीके से बैलेंस बन जाएगा 2023 31। तो माइनस कर लो 36 में से 6 गए, कितने बचेंगे? 30 में 29600।
ये क्या बच गया बेटा मेरा यहाँ पे बैलेंस। ऐसे ही ऊपर मशीन कितने की थी 60,000, 60,000 में से कितने की बेच दी मैंने 16 की, तो कितना बच गया बाय बैलेंस सीडी कब का आते है इसका, ये हो गए पूरे 60,000। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में जो तीन चीजें रिपीट करी थी मैं दोबारा से बोल देता हूं। पहला, मशीनरी अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ दो ट्रांजेक्शन्स आएंगी, या तो आप परचेस करोगे या फिर आप उसे बेचोगे, और बेचते टाइम भी इसमें कुछ नहीं करना, बस उसको उठा के कहां पे शिफ्ट करना है हमें डिस्पोजल अकाउंट में डालना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो भी आप डेप्रिसिएशन लगाते हो वो सारा का सारा यहाँ पे इकट्ठा होता चला जाता है। फिर जब मैं मशीन बेचता हूँ तो जो मशीन मैं बेच रहा हूँ उसका डेप्रिसिएशन निकाल के इकट्ठा करते हैं और उसे कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। और ये क्या है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, इसमें सिर्फ कौन सी मशीन की एंट्री होगी जो मशीन आप बेचते हो। बेसिकली हो पता क्या रहा है बेटा इस क्वेश्चन में, ये इजी है बहुत, ये भी इजी है बहुत, इसमें कई बार कंफ्यूजन होती है, लेकिन ये बेसिकली क्या है, एक तरीके से ना हमने एक अलग से कमरा बना दिया, उसमें सारा डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं, वो इकट्ठा होता चला जाता है। तो जब हम मशीन बेचते हैं, मान लो एक तरीके से आप मेरे को पैसे दे रहे हो, मैं एक जगह पे रखता जा रहा हूँ, जो बच्चा यहाँ से जा रहा है कह रहा है सर मेरा पैसा दे दो, तो मैंने वो पैसा उठा के आपको दे दिया, तो सेम यहाँ पे डेप्रिसिएशन वाला काम हो रहा है कि आप इसमें सारा डेप्रिसिएशन लगाते रहते हो, वो इकट्ठा होता चला जाता है। जब हम मशीनरी बेचते हैं तो उस मशीनरी को उठा के, जिस मशीन का जितना डेप्रिसिएशन है जो बेच रहे हो, उसको उठा के कहां पे डाल देते हैं हम डिस्पोजल अकाउंट में, बाकी का वैसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा जैसे चल रहा है आपका। क्लियर है?